नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर 12 अगस्त का। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों IIT कानपुर जो है उसने स्वदेशी बीज गेंद विकसित करने की जो है घोषणा की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अमेरिका IT फर्म के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों जो अमेरिका IT फर्म के साथ में जो समझौता किया है वो किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीना राय द्वारा लिखित पुस्तक रिलीज होगी? दोस्तों नीना राय द्वारा लिखित एक पुस्तक है, उन्होंने अयोध्या के बारे में ये पुस्तक लिखी है, तो ये पुस्तक जो है नवंबर 2020 में ही लॉन्च होगी। इसकी कोई फिक्स अभी कोई डेट उन्होंने नहीं बताई है कि इस तारीख को ये रिलीज होगी, लेकिन ये रिलीज होगी नवंबर 2020 में ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है? दोस्तों तांबा और जस्ता की जो मिश्र धातु है वो है पीतल। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण करके ही बनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टिन का मिश्रण है? दोस्तों सीसा और टिन ये भी दो धातुएं हैं और इनका मिश्रण करने के बाद में क्या बनाया जाता है? सोल्डर। सोल्डर का प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, छोटे छोटे वायरों को जोड़ने के लिए। आप जो भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए उसमें यहां पर सोल्डरिंग से ही वायरों को जोड़ा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने में खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सोडा वाटर बनाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में ली जाती है। जो झाग उसमें निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही निकलता है, क्योंकि वो गैस ठंडी होती है और एकदम से गैस के रूप में वो बाहर आती है, तो उससे झाग निकलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है? दोस्तों ध्वनि तरंगों के जो प्रतिध्वनि है वो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ही हमें सुनाई देती है। परावर्तन क्या होता है कि जब भी आप कहीं पर बोलते हैं तो आपकी ध्वनि पहले किसी भी माध्यम या दीवार से टकराएगी, फिर उसके बाद में हमें वापस हमारी आवाज दोबारा से सुनाई देती है, उसे ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि जो है परावर्तन के कारण सुनाई देती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्स बीमारी के ए अक्षर खाली स्थान को निरूपित करता है? दोस्तों जब आप सार्स बीमारी का जो सार्स है इसका आप फुल फॉर्म लिखेंगे तो जो ए से जो अक्षर आएगा वो एक्यूट होगा, तो जो है ए अक्षर जो है एक्यूट को निरूपित करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है? तो दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है हाजीपुर में। हाजीपुर में जो है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय खाली स्थान में है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO जो है उसका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं WHO, वही हमारा स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? दोस्तों जो लाल रंग है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट जो बनाई जाती है वो लाल रंग की होती है, और रेलवे में भी आप देख लीजिए सिग्नल देने के लिए या जो भी सिग्नल लगे हुए थे अधिकतर लाल रंग का ही वहां पर प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग जो है आप बहुत ही अधिक दूरी से आपको दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसका जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व ईंधन दिवस हर साल मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व ईंधन दिवस जो है हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको अभी पर तो दोस्तों अभी अगर आपको ये याद करने में परेशानी हो रही है तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम को ओपन करना है। टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे JS टॉपिक स्टडी तो आपको वहां पर हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा। आपको वही वाला चैनल को वहां पर सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाद में आपको वहां पर जो मैंने PDF पहले से अपलोड कर दी है वो PDF भी आप वहां पर देख सकते हैं, और इस वाली वीडियो का जो PDF है वो भी वहीं पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हाल ही के अध्ययन के अनुसार BCG वैक्सीन का प्रयोग COVID-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने का काम करती है का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों BCG जो वैक्सीन है उसका जो है प्रयोग यक्ष्मा एक रोग है उसका उपचार के लिए किया जाता है।
और ये जो वैक्सीन है इस पर एक ताजा रिसर्च हुआ है कि ये COVID-19 के खिलाफ लड़ने में भी सक्षम है, लेकिन इसकी कोई अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, कोई परमिशन नहीं दी गई है कि आप इसका यूज COVID-19 में कर सकते हैं, लेकिन जो है इस जो वैक्सीन है ये यक्षमा के उपचार में ही किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर सिग्नल लाइट को महिला कौन सा शहर सिग्नल लाइट को महिला साइन के रूप में परिवर्तित करने वाला पहला शहर है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले जब भी आप सिग्नल पर देखते थे तो वहां पर आपको गोल लाइट दिखाई देती थी, लेकिन अब वो गोल लाइट के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, एक महिला साइन दिखाई देगा, यानी कि एक लड़की टाइप की उसमें आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों इसको प्रारंभ करने वाला सबसे पहला शहर कौन सा है, वो है मुंबई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिंद्रा राजपक्षे जी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है। तो दोस्तों महिंद्रा राजपक्षे जी जो है श्रीलंका के चौथे प्रधानमंत्री हैं, चौथी बार उन्होंने ये शपथ ली है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दान किए हैं। तो दोस्तों भारतीय सेना ने जो 10 वेंटिलेटर दान किए हैं वो किए हैं नेपाल की सेना को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अमेरिका आईटी फर्म के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों जो है अमेरिका आईटी फर्म है उसके साथ में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने समझौता किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों आईआईटी स्वदेशी बीज गेंद को विकसित करने की घोषणा जो की है आईआईटी कानपुर ने की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खालिस्तान को आरंभ किया है। तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान है, आत्मनिर्भर भारत की जो परियोजना है उसका शुभारंभ किया है, और इसका आधार जो है मेक इन इंडिया को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो दोस्तों मेक इन इंडिया क्या है, आत्मनिर्भर भारत का ही एक रूप है, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट हमारे भारत में बनेगा उससे हमारे देश को ही फायदा होगा, हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत की जो है आत्मनिर्भर भारत की जो परियोजना है उसका जो शुभारंभ किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप यही पीडीएफ को जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है जे एस टॉपिक स्टडी। आप सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल का लोगो वहां पर दिखाई देगा, आपको उसी बारे चैनल को वहां पर सब्सक्राइब कर लेना है, और उसके बाद में वहां पर आपको जो पीडीएफ मैंने पिछली वीडियोस की वहां पर अपलोड कर दी हैं वो भी आप वहां पर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, और ये वाली पीडीएफ भी मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा तो आप वहां पर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।